यहाँ पर शिखर देखिए किस प्रकार से शिखर ये बनाया गया है कलाकृतियों में, और ये देखिए मंदिर नुमा शिखर है गोल गोल। राम जन्मभूमि आंदोलन का जो इतिहास रहा है कि ये पहला पिलर तैयार किया गया है। देखिए राम राम मित्रों, मैं भगवान राम का वंशज अभय वीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको प्रभु श्री राम के मंदिर के नई दिशा में हो रहे सबसे नए निर्माण कार्यों एवं निर्माण समिति की बैठक में राम मंदिर के खर्च एवं नए बदलावों के संदर्भ में सबसे नवीनतम एवं एक्सक्लूसिव जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत, राम नाम की गर्जना भाग जाए अवधूत से। राम नाम महाराज की जय। होई है सोई जो राम रचि राखा, यानी इस संसार में प्रभु श्री राम ने जो कुछ भी रच रखा है वह होकर ही रहेगा। उसमें किसी भी प्राणी का कोई भी वश नहीं है, और प्रभु श्री राम की कृपा के बिना इस संसार में किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता है। जन जन के हृदय में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा एवं भक्ति से परिपूर्ण इस दिव्यतम चैनल में प्रभु श्री राम की आत्मा का वास है, और जहां आत्मीयता होती है, जहां आत्मा का वास होता है, वहां परमात्मा की अपार कृपा दृष्टि अवश्य प्राप्त होती है। अतः इस चैनल से पूरी आत्मीयता एवं श्रद्धा भक्ति भाव से जुड़ें एवं सच्चे हृदय से जय श्री राम जरूर लिखें। ये आप देख सकते हैं कि ये पहला पिलर तैयार किया गया है। देखिए ये पहला पिलर यहाँ पर तैयार किया गया है, और देखिए इसका ऊपर का खांचा है। ये पिलर का पहला भाग है। देखिए ये निर्मित किया गया है, देखिए बिल्कुल नवनिर्मित है। अब इस पर जो ये पुराने पत्थर हैं इनको फिर से तराशा जाएगा। देखिए अभी इस पर पॉलिशिंग करके इसको नए सिरे से तैयार किया जाएगा। ये देखिए बिल्कुल बारीक, और यहाँ पर शिखर देखिए किस प्रकार से शिखर ये बनाया गया है कलाकृतियों में, और ये देखिए मंदिर नुमा शिखर है गोल गोल, बिल्कुल गोलाकृति में यहाँ पर शिखर निर्मित किया गया है। ये देखिए कितना सुंदर है ये, और इसी प्रकार से जो शिखर है यहाँ भी बनाए गए हैं। देखिए ये शिखर बनाया गया है, देखिए इस पर अभी धूल पड़ी है। इसी प्रकार से यहाँ पर शिखरों को नवनिर्मित किया गया है। अब इसको कम से कम 3 से 4 खंडों में जोड़ करके एक ऊंचा पिलर तैयार किया जाएगा। देखिए कितना बारीक काम है। अभी ये खांचे हैं, इसमें नए प्रकार के पत्थर लगाए जाएंगे जो कलाकृतियों से परिपूर्ण होंगे। ये बिल्कुल नई डिज़ाइन है। इसके आधार पर कम से कम 50 से 60 पत्थर तैयार किए जाएंगे, पिलर तैयार किए जाएंगे, और इनको कई खंडों में जो खांचा है इसी में दूसरा खांचा फिट करके एक नए प्रकार से पिलर को तैयार किया जाता है। ये देखिए ये सभी 30 वर्ष पुरानी शिलाएं हैं। आप सोच सकते हैं जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन था तब से ये पत्थर तराशे जा रहे हैं, और राम जन्मभूमि आंदोलन का जो इतिहास रहा है उसकी कहानी ये बयां करते हैं ये पुराने पत्थर। सोचिए कारसेवकों ने अपना बलिदान दिया, और उसी के संघर्ष का परिणाम है कि आज 500 वर्षों के संघर्षों के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। अब सोचिए ये पत्थर कितने पुराने हो चुके हैं, लेकिन इन पर जो दिव्यता है, जो सजावट की गई है, कितनी
आत्मीयता से सजावट की गई, वैसी सजावट अभी नहीं देखने को मिलती है जैसी सजावट उस समय की गई थी। लोगों ने राम नाम का जाप करते हुए इन पत्थरों को तराशा था। ये देखिए, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की जो मूल आत्मा है वे इसी कार्यशाला में बसती है। राम मंदिर तो अब बनना शुरू हुआ है, लेकिन ये कार्यशाला तो 30 से 32 वर्षों से तक थी। करोड़ों राम भक्तों ने इसको चलाने के लिए चंदा दिया, पैसा दिया। सोचिए कार्यशाला में इतने बड़े पैमाने पर तराशी, सोचिए कितने दिन से चल रही है। सामने आप देख सकते हैं कि यह रंग मंडप के शिखर निर्माण कार्यों का सबसे नवीनतम परिदृश्य है कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में नाग कन्या की मूर्ति जो कि रंग मंडप के शिखर पर लगाई जाएगी, उसका यह सबसे नवीनतम परिदृश्य है जो कि आपको कहीं भी अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। और इन मूर्तियों को राम मंदिर के शिखर में लगाया जाएगा और वर्तमान में रंग मंडप के शिखर का निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और अब इन्हीं मूर्तियों को रंग मंडप के ऊपरी शिखर में स्थापित किया जाएगा और इसके लिए खांचे पहले से ही तैयार हैं और इन मूर्तियों को क्रेन के माध्यम से परिसर में 2 से 3 दिनों में लगा दिया जाएगा। और रंग मंडप के निर्माण कार्यों की नवीनतम कार्य प्रगति की बात करें तो लगभग 80% के आसपास रंग मंडप के शिखर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और यह मूर्तियां सीधे राजस्थान से तराश करके अयोध्या श्री राम जन्मभूमि परिसर लाई गई हैं, क्योंकि कार्यशाला में वर्तमान में पिलर एवं दीवार के पत्थरों के निर्माण कार्य हो रहे हैं। अतः शिखरों की सभी जो बहुमूल्य मूर्तियां हैं उनको सीधे राजस्थान से ही अयोध्या भेजा जा रहा है और इसमें लगभग 6 से 7 दिन का समय लगता है और बड़ी बड़ी गाड़ियों के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि परिसर में इनको पहुंचाया जाता है और इसके लिए बहुत अधिक सावधानी भी बरती जाती है, क्योंकि इस प्रतिमा में, इस मूर्ति में जरा भी कोई टूट फूट होने अथवा विकृति आने पर इसको फिर से बनाया जाना काफ़ी अधिक कठिनतर है और इसके लिए राजस्थान से कारीगरों को फिर से राम जन्मभूमि परिसर में बुलाना पड़ेगा। वैसे तो मूर्तियों की टेस्टिंग निर्माण कार्यों के बाद ही लगातार जारी रहती है, लेकिन इसे बहुत अधिक सावधानी बरती जाती है। सामने आप देख सकते हैं कि यह श्री राम जन्मभूमि परिसर के दक्षिणी परिसर में स्थित निर्माण कार्यों का सबसे नवीनतम परिदृश्य है और आप यहां देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर परकोटा का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है और इसी के नीचे 200 मीटर लंबी सुरंग भी बनाई जा रही है और इसका निर्माण कार्य लगभग 46% के आसपास पूर्ण हो चुका है एवं परकोटा के पिलर निर्माण में लगभग 250 से अधिक पिलर परिसर में लगाए जा चुके हैं और इन सभी पिलर्स की संख्या परिसर में हजारों में है। सामने आप देख सकते हैं कि राम मंदिर के उत्तरी परिक्षेत्र में स्थित परकोटा निर्माण कार्यों का सबसे नवीनतम परिदृश्य है और आप यहां देख सकते हैं कि उत्तरी परिक्षेत्र में बड़े पैमाने पर पत्थर मौजूद हैं जो कि परकोटा में प्रयुक्त हो रहे हैं और यहाँ पर भी सुरंग का कुछ अंश बनाया जाएगा और सबसे कोने वाला क्षेत्र होने की वजह से यह परिसर VVIP दर्शन में प्रयुक्त होता है और अभी यहाँ पर परकोटा के पहले मंदिर का निर्माण कार्य काफ़ी तेजी से हो रहा है। आगे की वीडियो में श्री राम जन्मभूमि परिसर में परकोटा के पहले मंदिर के निर्माण कार्यों पर मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, अतः राम मंदिर निर्माण कार्यों की सभी वीडियो आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें एवं राम मंदिर के उत्तरी परिक्षेत्र जिसके लिए 500 वर्षों तक भूमि के लिए संघर्ष हुआ और इसी परिसर में ही राम मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है और यह परिसर छोटा होने की वजह से यहाँ पर एक द्वार बनने में काफ़ी अधिक दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर भूमि अधिग्रहण की बड़ी समस्या आन पड़ी है। राम मंदिर परिसर घनी आबादी क्षेत्र से घिरा होने के कारण यहाँ पर भूमि के अधिग्रहण से संबंधित कई दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर भी हैं जिनको हटाना संभव नहीं है, लेकिन राम मंदिर में कुल 4 द्वार बनाए जाएंगे और जिसमें एक द्वार उत्तरी परिक्षेत्र में भी बनेगा और इसके लिए आसपास के मंदिरों एवं प्रतिष्ठानों से बात भी की जा रही है ताकि यहाँ पर भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य
विधिवत हो सके। राम मंदिर निर्माण कार्यों पर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक आयोजित की जा रही है और इसमें 2 दिन पूर्ण हो चुके हैं और इसमें कई अहम निर्णय लिए गए हैं और इस विषय में श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र जी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं जिसे आप सुन सकते हैं। मंदिर में तो अब लगभग पत्थर का काम शिखर को छोड़कर पूरा हो गया है, मतलब धरातल के अलावा प्रथम तल द्वितीय तल को पूर्ण होने के बिल्कुल समय आ गया है। इस माह के अंत तक पूर्ण हो जाएगा पत्थर का कार्य। शिखर का कार्य है तो कुल मिलाकर करीब 55,000 जो है क्यूबिक फीट पत्थर और लगना है। परकोटा में अभी हम आधे के पत्थर पहुंचा चुके हैं, यानी 8,20,000 क्यूबिक फीट अनुमानित है, तो अभी हम करीब 4 लाख पे पहुंचे हैं। मित्रों, श्री राम जन्मभूमि परिसर में होने वाले सबसे नए निर्माण कार्यों एवं राम जन्मभूमि निर्माण समिति की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के विषय में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें एवं सच्चे हृदय से जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम राम। राम राम, राम।